गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन बुक के अंतर्गत यूनिट संख्या फिफ्थ के अंतर्गत जो चैप्टर है आवासीय सहकारी समितियां हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम जो टॉपिक है कि सहकारी गृह निर्माण की समितियों के कौन कौन से लाभ हैं और उसकी समस्याएं क्या हैं और उसके सुझाव क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी व कपड़े के साथ रहने के लिए मकान होना भी क्या है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्व में सभी देशों में आवास की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अर्धविकसित देशों में अधिकांश जनता के पास रहने के लिए स्वयं का मकान नहीं है और विकसित देशों में इसकी समस्याओं का सामना निरंतर करना पड़ रहा है। इस समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्तिगत सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना करके इस समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ तो सफलताएं मिली हैं और सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी एक बीड़ा उठाया गया है। तो इसमें वे समितियां सदस्यों को सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध करवाना, कम ब्याज पर आसान किस्तों से ऋण देकर के बने बनाए मकान देकर के सदस्यों की आवासीय समस्याओं के रूप में इनकी समस्याओं को भी हल किया जा रहा है। अब बात करें हम आवासीय सहकारी समितियों के वर्गीकरण की, तो इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियों को शामिल किया गया है, मालिक और किराएदारी समितियां और सह साझेदारी आवासीय समितियां और सहकारी गृह बंधक समिति और फ्लैट स्वामित्व निर्माण समिति और सहकारी नगरीय समिति को शामिल किया गया है। इसकी संगठन व्यवस्था में संपूर्ण भारत के अंतर्गत इसके कानूनी तकनीकी के रूप में क्रियान्वित किया गया है। सहकारी आवासीय समितियों के वित्तीय स्रोत में अंश पूंजी, वैधानिक तरल कोष, रक्षित कोष और केंद्रीय और राज्य सरकार के माध्यम से दिए जाने वाले कोषों को शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे सहकारी गृह निर्माण समितियों के लाभ की। तो सहकारी गृह निर्माण समितियों के लाभ में प्रथम लाभ है भवन निर्माण के लिए वित्तीय सुविधा। भवन निर्माण के लिए वित्तीय सुविधा भी है, क्योंकि सरकार के द्वारा भवन निर्माण के लिए अपने सदस्यों को लिए मनाने के सस्ती ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध करवा के गृह निर्माण के रूप में सहायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जिससे कि लोगों को आसानी से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हो सके, क्योंकि अगर मकान जब होता है तो रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं उनको मिल जाती है, तो उनके रहन सहन की दिनचर्या में भी काफ़ी सुधार हो पाता है। एक किराएदारों के हितों का ध्यान, किराएदार के हितों का ध्यान भी इसमें रखा जाता है कि किस प्रकार से, क्योंकि प्राय देखने को ये मिलता है कि मकान जब किराएदार होता है तो उनके साथ जो भी उचित व्यवहार वो नहीं रखते हैं, दिन प्रतिदिन मासिक मंथ के आधार पे उनको किराया बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे वित्तीय भार प्रत्येक व्यक्ति को इससे पड़ता है, तो इसका ध्यान होता है। एक श्रमिकों व कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि श्रमिक जो रहते हैं कि कार्य कुशलता में वृद्धि, इसलिए होती है क्योंकि उनको ये लगता है कि अपने पास मकान है, रहने की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो वो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, अच्छी आवास होने पे उनका परिवार सुखी समृद्ध हो पाता है। अगला, उचित किराए पर मकान। तो आपने देखा होगा सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों को उचित मूल्य पर उचित किराया के माध्यम से मकान उपलब्ध
करवा पाते हैं। एक निम्न व मध्यम वर्गों को स्वयं के स्तर पर घर, निम्न जो मध्यम वर्ग हैं उनको स्वयं के लेवल पर भी घर उपलब्ध करवाया जाता है। ये भी इसकी इम्पोर्टेंट है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में भी इनकी अहम भूमिका होती है कि कल्याणकारी राज्य में क्या इनकी योगदान है। और भी विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भी। अब हम समस्याओं की बात करें तो समस्याओं में पहली समस्या तो व्यक्ति के सामने आती है कि वित्तीय साधनों का अभाव होता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि वित्तीय साधनों के अभाव में वह किराएदार या किराए पे या फिर अन्य तरीके से वो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, जिससे काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं। एक सरकार द्वारा कम सहयोग, सरकार भी इसमें कम सहयोग कर पाती है। किस प्रकार से? क्योंकि योजना के माध्यम से ही वो रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है, जैसे विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से, जैसे इंदिरा आवास योजना है और भी विभिन्न प्रकार की आवास योजना है, क्योंकि ये सीमित लेवल पे आ पाती हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। समस्या है ये भी। एक भूमि उचित मूल्य पर न मिलना। कई जगह आपने देखा होगा कि भूमि जब हम क्रय करते हैं तो बहुत रेट होती है उनकी, उचित मूल्य पर नहीं मिलने पर काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी समस्याएं सामने उत्पन्न होती हैं। ये भी एक समस्या है। एक तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव होता है, टेक्निकल विशेषज्ञों का इसमें अभाव होता है कि किस प्रकार से मकान बनाया जाए कम लागत पे, जिसे आसानी से वो रह सकें। एक भवन निर्माण की सामग्री में मूल्यों में वृद्धि, क्योंकि जब हम भवन का जब निर्माण करते हैं तो काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि जब उसकी कॉस्ट अधिक आती है तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामना करना होता है, तो वह नहीं चुका पाता है, तो ये भी एक समस्या है। एक कुशल नेतृत्व का अभाव है, क्योंकि जब हम मकान जब बनाते हैं तो इन समितियों की असफलता का कारण कुशल नेतृत्व होता है, क्योंकि ये धनाभाव के कारण प्रबंध करने में असमर्थ रह पाती हैं। क्योंकि जब कुशल नेतृत्व नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना फाइनेंस के नेतृत्व नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक समस्या है। एक पूर्ण विकसित समितियों का भाव, क्योंकि कई समितियां ऐसी हैं जो डेवलप नहीं हो पाती हैं, वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो कर पाती हैं, सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती हैं, ये भी समस्याएँ हैं। एक करों की अधिकता, जब हम मकान लेते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के टैक्स हाउसिंग के तहत, या हाउसिंग बोर्ड जो है, या फिर हम जो हेड है इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, तो हमें विभिन्न प्रकार के कर भी इसमें चुकाने होने से भी ये समितियां सही रूप से आकर्षक नहीं कर पाती। निजी स्वार्थ के लिए समितियों का गठन, कई बार आपने देखा होगा कोई भी समितियां का जब गठन किया जाता है, उन निजी स्वार्थ या निजी हितों को ध्यान में रख के उन समितियों का क्रियान्वित कर पाते हैं। एक उचित कार्यक्रम या संचालन व्यवस्था का भाव, उचित कार्यक्रम और संचालन व्यवस्था भी इसमें अहम होती हैं, क्योंकि उचित संचालन व्यवस्था में भी इनकी क्रियान्वित रहती है। एक घटिया निर्माण कार्य, कई बार आपने देखा होगा जब मकान का जब निर्माण होता है तो ऐसा मटेरियल काम में लेते हैं जिससे वो दोबारा उनको हमें निर्माण कार्यों में लगाना होता है, ये भी समस्याएं सामने आती हैं। और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो अब हम बात करें इनके सुझावों की, क्योंकि हमने लाभों के बारे में चर्चा की और अब इनकी समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करें कि ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं जिससे आसानी से ये समितियाँ हैं, आवासीय सहकारी समितियाँ, इनका सही तरीके से क्रियान्वित हो पाए। तो पहला तो है सहकारी नियोजन समिति से के सुझाव, क्योंकि सहकारी नियोजन समिति 1946 में इसका निर्माण किया गया, क्योंकि गृह निर्माण समितियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी एक अहम है। तो एक तो सहकारी निर्माण समितियों का योगदान,
क्योंकि 1946 बनी, क्योंकि इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन लागू कर दें जिससे आसानी से शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की समितियों में वित्त उपलब्ध करवाती है जिसमें LIC सेवा है। और विभिन्न सुझावों की बात करें तो कार्यकारी दल के सुझाव भी हैं, ये तो सहकारी समितियों के एक कार्यकारी दल के सुझाव। कार्यकारी दल की बात करें तो कार्यकारी दल भी 1963 में गठित किया गया था जिसमें मुख्यतया सहकारी समितियों के कार्यकारी दल नियुक्त किया गया, जिसमें 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दल ने सहकारी समितियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भी विभिन्न सुझाव दिए गए, जिसमें पहला है कि केंद्र व राज्य सरकार के माध्यम से निर्माण योजना के अंतर्गत किए जाने वाला धन 20% भाग सहकारी गृह निर्माण समितियों के रूप में सुरक्षित रखा जाए और निम्न आय या गृह निर्माण योजना में प्रदान की जाने वाली ऋण की अधिकतम सीमा को 8,000 से बढ़ा करके 10,000 किया जाए और गृह ऋण भुगतान करते समय 12 माह के स्थान पे 36 माह की किस्त की जाए। तो ये भी है, तो विभिन्न प्रकार के कार्यकारी दल सुझाव के माध्यम से भी इनका क्रियान्वित किया जा रहा है। एक सरकार के द्वारा भूमि, सीमेंट और मकान बनाने में आने वाली अन्य प्रकार की वितरण सुविधाओं सहेली काम में लिया जाए। ऐसे राज्यों में 100 से अधिक प्राथमिक गृह निर्माण समितियां, उसको शीर्ष समितियों के रूप में स्थापना की जाए। एक राष्ट्रीय स्तर पर गृह निर्माण समितियां या राष्ट्रीय संघ स्थापित किया जाए और राज्यों में गृह निर्माण समितियों को ऋण प्रदान करने के लिए गृह बंधक बैंक स्थापित किए जाए। गृह निर्माण समितियों में 30% की छूट भी प्रदान की जाए। अगला है मृधा समिति के सुझाव। तो एक मृधा समिति बनी मृधा समिति के क्या सुझाव रहे? मृधा समिति का जो गठन किया गया इसमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लिया गया, जिसमें ये सुझाव रखा गया कि सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गृह निर्माण समितियों की स्थापना का जो उद्देश्य है अल्प आय वर्ग के लिए व्यक्तियों का आवास सुविधा उपलब्ध कराना है और समिति की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान की जाए जिससे कम आय वाले व्यक्ति उनका लाभान्वित ले सके। उपयुक्त कोटाओं का निर्धारण, रिजर्वेशन को ध्यान में रखा जाए और विभिन्न परिस्थितियों को रूप से संचालक मंडल के रूप से किया जाने और शीर्ष संघों को प्राथमिक सहकारी समितियों की देख रेख निगरानी का भी इसमें योगदान रहा है। अन्य सुझावों की हम बात करें तो अन्य सुझाव भी विभिन्न प्रकार के सुझाव, जिसमें सुदृढ़ इकाइयाँ गठित हो जिससे समिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अहम भूमिका है। एक प्रबंधकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो भी प्रबंध कार्यकारिणी में है उनको प्रशिक्षण दिया जाए। और तीसरा है सरकार एवं अन्य स्वायत्त संस्थाओं से सहयोग करें, क्योंकि नगर पालिका, नगर विकास निगम, विकास न्याय संस्थानों के गृह निर्माण, सहकारी संस्थाओं के आवास सहयोग प्रदान करें और सरकार को भूमि के आवंटन, अन्य सुविधाएं इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये समितियां अधिक प्रभावशाली तभी साबित हो पाती हैं। अन्य सुझावों में केंद्रीय सरकार या गृह निर्माण योजना के अंतर्गत भी सहकारी समितियों को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए जिससे राज्य सरकार इन समितियों का आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें। समितियों के निरीक्षण, परीक्षण और अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि इन समितियों को कमज़ोर वर्ग लाभान्वित नहीं उठा पाता है, क्योंकि कमज़ोर वर्ग के लिए मूलभूत सुविधाओं के रूप में समितियों के माध्यम से इसका कुछ लाभ प्रभावशाली व्यक्ति ही उठा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये समितियां ग्रामीण क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाई हैं, क्योंकि इन समितियों के विकास पर ध्यान देना हमें चाहिए, क्योंकि मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां उनको भी हमें दूर करना चाहिए जिससे ये समितियां निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की कि आवासीय सहकारी समितियां के कौन कौन से वर्गीकरण हैं और आवासीय सहकारी समितियों के कौन कौन से लाभ हैं और उसकी क्या समस्याएं हैं और क्या इसके सुझाव हैं। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवासीय सहकारी समितियों की एक आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या इसके लाभ क्या हैं और ये इसके समस्या क्या हैं और इसके कौन कौन से सुझाव हैं। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि औद्योगिक सहकारी समितियां क्या हैं, औद्योगिक सहकारी समितियों के क्या उद्देश्य हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, औद्योगिक सहकारी समितियों के
कौन कौन से कार्य हैं और उसकी संगठन व प्रबंध ढांचा किस प्रकार का है और औद्योगिक सहकारी समिति कितने प्रकार की होती हैं, उसके वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं और औद्योगिक वित्तीय जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और औद्योगिक सहकारी समितियों के जो समस्याएं हैं उनको हमें किस प्रकार से समाधान करना है। तो अगले वीडियो में आपके तीर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।